आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान के 5 शहरों में बारिश का अलर्ट, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की आएगी गिरावट। राजस्थान के मौसम में आज से बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली में सुबह के वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं। इन क्षेत्रों में जो तापमान में 2 डिग्री तक की जो है बढ़ोतरी हुई है। वैसे लोगों को गर्म भरी सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज जोधपुर बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वही मौसम में ये बदलाव जो है कल भी यहाँ पर इसी तरह का रहने के आसार जताए गए हैं। कल भी जो है राजस्थान का मौसम जो है इसी तरह का जैसा आज रहा है वैसा कल भी जो है मौसम इसी तरह का रहने के आसार जताए गए हैं। वही राज्य के अंदर ठिठुरन भरी सर्दी से थोड़ी राहत जो है रही है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत कई शहरों में आज मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री जो है बढ़ा है। बीकानेर में कल जो है न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री पे था, जो है अभी जो है 10 पर आ गया है। यह स्थिति जो है जैसलमेर और आसपास के इलाकों की रही। हालांकि कश्मीर में जो है आज चिराग किला जो है तेज सर्दी वाले दिनों की शुरुआत हो रही है, जिसका असर जो है राजस्थान सहित कई इलाकों में दिख सकता है। वही बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री तक बढ़ा है। यहाँ पर मौसम विशेषज्ञ की जानकारी है, उसके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के रुकने और अरब सागर से गुजरात तक बनी ट्रफ लाइन के कारण जो है बादलों के समूह आने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वही राज्य में आज न्यूनतम तापमान सबसे कम माउंट आबू में दर्ज किया गया। यहाँ पर तापमान 1 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। सीकर के फतेहपुर में तापमान 1.5 डिग्री के आसपास रहा। चूरू में लगातार 14 दिन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। वह चूरू के साथ साथ गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में भी न्यूनतम तापमान में मामूली सा उतराव चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है। आज सबसे बड़ी रात जो है वो भी यहाँ पर होगी और सबसे छोटा दिन यहाँ पर रहेगा। वही कश्मीर में भी जो है चिराग किला का दौर शुरू हो चुका है। इससे गंभीर जो है सर्दी जो है वो शुरू हो जाएगी और राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में तापमान में जो है जबरदस्त उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। जयपुर में 2 कोविड संक्रमित मिले। महिला चिकित्सालय में 16 दिन का नवजात पॉजिटिव। राजस्थान में फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले जैसलमेर में 2 पॉजिटिव मिलने के बाद अब कल जो है जयपुर में भी यहाँ पर 16 दिन का एक नवजात और एसएमएस अस्पताल में एक 48 वर्षीय व्यक्ति जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया है। नवजात के परिजन जो है भरतपुर के एसएमएस में जो है यहाँ पर मतलब भरतपुर और एसएमएस में मिले व्यक्ति झुंझुनू का रहने वाला है और 4 दिन पहले सर्जरी कराने के लिए भर्ती हुआ था। वह नए वेरियंट का पता लगने के लिए यहाँ पर लगाने के लिए संक्रमितों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। देश में कोविड का नया सब वेरियंट JN1 जो है पाए जाने के बाद ही चिकित्सा विभाग अभी फिलहाल अलर्ट पर है। तो राजस्थान में जो है अभी राजस्थान में भी कोरोना को लेकर जो है मामले जो है अभी बढ़ रहे हैं। अभी जो है आगामी दिनों में जो है राजस्थान में जो सख्तियां जो है कोरोना को लेकर बढ़ सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में अब 450 रुपये मिलेगा LPG सिलेंडर। 70 लाख गरीब को मिलेगा इससे फायदा। राजस्थान में LPG यानी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रियायतों को लेकर जो है उठे संशय के बीच भजन आज सरकार ने स्थिति को साफ कर दिया है। सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताओं को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सभी जो मतलब गरीब परिवार जो है PM उज्ज्वला योजना से जो लोग हैं उनको 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। वही BJP ने चुनाव घोषणा पत्र में जो है 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी। अब सरकार ने 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा को लागू करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस राज में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, अब जो है सरकार 450 रुपये में देगी। वही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के परिवारों को 700 रुपये में सिलेंडर दे रही है। ऐसे में 450 रुपये में सिलेंडर देने पर राज्य सरकार को बचे हुए 150 रुपये जो है देने होंगे। वही राजस्थान में जो है 70 लाख उज्ज्वला परिवार यहाँ पर जो है 70 लाख उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार है। 70 लाख परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर देने पर हर महीने सरकार के ऊपर जो है 105 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर सरकार को आएगा। हालांकि कब तक ये दिया जाएगा फिलहाल इसको स्पष्टता जो है इसमें नहीं दी गई है, यानी कब तक ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा फिलहाल इसके ऊपर स्पष्टता जो है फिलहाल नजर नहीं आई है। स्पष्टता जो है सरकार की ओर से दी नहीं गई है।